Good morning, student. Today we are going to start our new lesson of 10th class. Its name is A Letter to God. Students, आज हम अपना 10th class का नया lesson शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है A Letter to God, जो कि G.L. Funes ने लिखा है. It is a story of poor farmer. ये गरीब किसान की कहानी है. Now let's see, चलिए देखते हैं. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. पहले उसके घर का वर्णन है कि जो घर है उसका only one, एकमात्र घर है in the entire valley, संपूर्ण घाटी में. Sat on the crest, जो कि स्थित है, क्रेस्ट मींस होती चोटी, ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी की सबसे चोटी पर उसका घर स्थित है. फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता है, द रिवर, नदी को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के खेत को, राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, जिस फसल में उस ऊंचाई से जब हम देखते हैं तो बिंदुओं की भांति उसके फूल दिखाई देते हैं, डॉटेड बिंदुओं की भांति. With the flower that always promised a good harvest. Harvest होती है फसल, और वो फूल हमेशा ये इशारा करते हैं, ये वादा करते हैं कि इस वर्ष अच्छी फसल होगी. The only thing the earth needed. जमीन को, खेत को केवल एक चीज की आवश्यकता है, was a downpour. Downpour का मतलब होता है heavy rain, तेज बारिश, और at least कम से कम या फिर shower होती है हल्की बौछारी हो जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली होता है अच्छी तरह से, क्लोजली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने सुबह से कुछ नहीं किया. बट सी द स्काई, आकाश की ओर देखता रहा, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, और आकाश में उत्तर पूर्व की तरफ. Now we are really going to get some water, woman. Woman in his wife. उसने अपनी वाइफ से कहा कि अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं. The woman, उसकी पत्नी ने कहा, who was preparing supper, जो कि डिनर बना रही थी, रात्रि का भोजन. उसने उत्तर दिया, yes, God willing. हाँ, भगवान की इच्छा हुई तो जरूर हमें पानी प्राप्त होगा. ओल्डर बॉयज, उसके जो बड़े लड़के थे, वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि उसके छोटे जो बच्चे थे, वर प्लेइंग इन नियर द हाउस, वो घर के पास में खेल रहे थे. अंटिल द बोमैन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक उनकी माँ ने उन्हें नहीं बुलाया था कि खाने के लिए आ जाओ. It was during the meal, meal होता भोजन, भोजन के समय जब वो लोग भोजन ही कर रहे थे, just as Lencho had predicted, predicted means होता भविष्यवाणी करना, जैसा कि Lencho ने भविष्यवाणी की थी, big drop of rain began to fall, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. In the north east, उत्तर पूर्व से, huge mountain of clouds, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, अर्थात बड़े बड़े बादल. Could be seen approaching, पास आते हुए दिखाई देने लगे. Approaching, come near, पास आना. The air was fresh and sweet, हवा मधुर और ताजी चल रही थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Man, यहाँ Lencho के लिए आया है, कि Lencho went out, बाहर निकल आया, for no other reason, और किसी कारण से नहीं, बल्कि to have मतलब लेना, प्राप्त करना, the pleasure, आनंद, फीलिंग, महसूस करना, द रेन ऑफ द बॉडी, बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए वो बाहर आ गया. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौट कर अंदर आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा, आश्चर्य से कहा, कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरने वाली ये बारिश की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइंस,
ये नए सिक्के हैं. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट का सिक्का है और छोटी जो बूंद है वो 5 सेंट का सिक्का है. With a satisfied expression, संतुष्टि का भाव लेकर he regarded the field of ripe corn with its flower. उसने फूलों से लहलहाते अपने खेतों को देखा. Draped in a curtain of rain, curtain means होती एक चादर. Draped कवर कर लेना. खेतों के ऊपर एक बारिश की चादर पड़ गई थी. हर जगह पानी पानी नजर आ रहा था. बट सडनली लेकिन अचानक से अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी. एंड अलोंग विद द रेन, और उसके साथ साथ, अलोंग विद के साथ, बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल. हेलस्टोन होते हैं ओले. हवा के, तेज हवा के साथ में ओले पड़ने लगे बड़े बड़े. दीज ट्रूली डिड रिजेम्बल प्रतीत होना न्यू सिल्वर कॉइन्स. ये ओले जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े थे, ये चांदी के सिक्कों की तरह नजर आ रहे थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, एक्सपोजिंग होता है स्नान करना, नहाना. तो बच्चे बारिश में नहाने के लिए रेन आउट और भागे टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स. फ्रोजन जमे हुए पल्स होते हैं मोती. यहाँ फ्रोजन पल्स हेल स्टोन के लिए प्रयोग किए गए हैं. तो बच्चे जो है वो ओलों को इकट्ठा करने के लिए, उनको उठाने के लिए भागे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. मैन यानी कि लेंचो. तो लेंचो बोला आश्चर्य से कि अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे आशा है कि ये जल्दी गुजर जाएंगे, जल्दी रुक जाएंगे. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओले जल्दी से नहीं रुके. For an hour, एक घंटे तक, the hail rained on the house, ओले घर पर, garden बगीचे में, hillside पहाड़ी पर, the cornfield अनाज के खेत में, on the whole valley और संपूर्ण घाटी में बरसते रहे. The field was white, पूरा खेत सफेद हो गया था. As if मतलब होता है मानो ऐसा लग रहा था कि covered with salt, किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो, नमक से ढक दिया हो. Not a leaf remained on the trees, remain मतलब रहना, एक भी पत्ती नहीं बची थी पेड़ों पर. The corn was totally destroyed, corn यानी अनाज पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, अनाज की फसल. The flowers were gone from the plants, पौधों से फूल गिर चुके थे. लेंचोज सोल बाज फिल्ड विद सैडनेस, ये सारा दृश्य देखकर लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, उसका मन बहुत दुखी हो गया. When the storm had passed, जब स्टॉर्म होता है तूफान, जब ये ओले जो पड़ रहे थे, ये तूफान रुका, जब गुजर गया. He stood in the middle of the field, तो वो खेत के बीच में खड़ा हुआ. And said to his son, और अपने बच्चों से बोला, a plague of locusts would have left more than this. Plague of locusts, locusts होती टिड्डियाँ, और plague of locusts टिड्डियों का झुंड. Would have left more than this. तो लेंचो बोला कि अगर हमारे खेत पर टिड्डियों का आक्रमण हो जाता, तो इससे ज़्यादा तो टिड्डी छोड़ जाती खाने के लिए. लेकिन the hail has left nothing. ओलो ने तो कुछ नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. इस वर्ष हमारे पास कुछ भी फसल नहीं होगी. That night, वो रात was a sorrowful one. वो रात बहुत ही दुख भरी रात थी. All our work for nothing. हमारा वर्ष भर का जो परिश्रम था वो बर्बाद चला गया. There's no one who can help us. अब कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके. We will all go hungry this year. इस वर्ष हमें भूखा ही रहना पड़ेगा. But in the hearts of all, लेकिन सभी के हृदय में, who lived in that solitary house, solitary एकांत, in the middle of the valley, इस घाटी के बीच में, एकांत घर में जो लोग रहते थे, उनके हृदय में, there was a single hope, एकमात्र आशा थी, वो आशा थी help from God, भगवान की सहायता. Don't be so upset, निराश मत हो. Even though, यद्यपि,
दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। यद्यपि हमारा पूर्ण रूप से नुकसान हो चुका है, रिमेम्बर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन ये याद रखो, लेंचो ने कहा कि कोई भी भूखी नहीं मरता इस दुनिया में। दैट्स वाई, यही कारण है, दे से, दे का मतलब इधर है प्यूपल, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखी नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो उसी अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, और वो आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हु जाई, जिसकी आंखें, अर्थात भगवान की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड बताना, जैसा कि लोगों से उसने सुना था, लोगों ने उसे बताया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस होती है अंतरात्मा, यहाँ तक कि भगवान की आंखें वो भी देख लेती हैं जो हमारी अंतरात्मा में होता है, जो हम मन में सोचते हैं। लेंचो बाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल के जैसा व्यक्ति था। बैल के जैसे होने से मतलब है कि वो जानवरों की तरह परिश्रम करता था खेतों में, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट, अगला जब रविवार आया, एट डे ब्रेक, सुबह होने पर, ही बिगिन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा, विच, जिसे ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी, ले गया टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, कस्बे में जाकर और उसने उसको मेल में, डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये जो पत्र था एक ऐसा पत्र था जिसे हम कह सकते हैं कि भगवान को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। गॉड, पत्र में उसने क्या लिखा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। गॉड, उसने लिखा, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं बिल को हंगरी दिस ईयर, इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos, पीसोस एक करेंसी है, जैसे अपने आप इंडिया में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, कहीं रियाद चलता है, कहीं रियाल चलता है, कहीं टका चलता है। तो उसने कहा, आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है, इन ऑर्डर, मतलब के लिए, टू सो मीस होता है बोना, माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 pesos की आवश्यकता है, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक मेरी फसल दोबारा से नहीं आ जाती, बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, डॉट 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 है, इसका मतलब है क्योंकि ओलों ने सारी फसल नष्ट कर दी है, वो उसने पूरी बात लिखी। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफ एनवेलप होता है, लिफाफे के ऊपर उसने लिख दिया टू गॉड, यानी भगवान को, पुट द लेटर इनसाइड इट, अंदर रखा, स्टिल ट्रबल्ड, कुछ परेशान भी था, वेंट टू टाउन, कस्बे गया, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, स्टाम्प होते हैं टिकट, ऑन द लेटर, पत्र के ऊपर उसने टिकट चिपकाए, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो डाक किया, जो कि डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में भी सहायता का काम करता था, बेन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, उसके पत्र को लेकर जोर से, लाफिंग हर्टली, जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो भगवान का पत्र उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन में कभी भी, एज अ पोस्टमैन, जब से वो डाकिया का काम कर रहा था, हैड ही नोन टू दैट एड्रेस, उसने ये पता कभी वो जानता ही ना था। द पोस्टमास्टर, जो उसका बॉस था, पोस्टमास्टर, अ फैट, एक मोटा, एमिएबल, एक मित्रवत साथी था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया, एंड टैपिंग, टैपिंग मींस होता है थपथपाना, टैपिंग द लेटर ऑन द ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने कहा, क्या कहा,
उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कितना बढ़िया विश्वास है। आई बिस कास आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस होता है पत्राचार या पत्र व्यवहार, किसी को पत्र लिखना, भगवान को पत्र लिखते हुए उसने लिखा। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसलिए लिखना उसने शुरू किया कि कहीं लेखक का भगवान से विश्वास ना उठ जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसको एक विचार आया कि आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपन्ड इट, लेकिन जब उसने ये खोला पत्र को, इट वॉज इविडेंट, इविडेंट होता है क्लियर, ऑब्वियस, तो ये बात स्पष्ट थी कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि आंसर देने के लिए केवल गुडविल, सदिच्छा, स्याही और कागज से अधिक भी कुछ चीजों की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन मीन्स होता है पक्का इरादा, लेकिन वो अपने इरादे का पक्का था। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया, मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का भी उसने एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे मित्र वर ऑब्लाइज्ड, कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मीन्स होता है दान, पुण्य, इस अच्छे काम में, इस पुण्य के काम में सभी ने सहयोग किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीस ऑफ, लेकिन फिर भी इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था उसके लिए इकट्ठा करना एक साथ 100 पीस ऑफ को। सो इसलिए ही वॉज अनेबल, सॉरी, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए जो धन इकट्ठा हुआ, मतलब आधे से कुछ ज्यादा, मोर देन हाफ, इतना ही वो इकट्ठा कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने लिफाफे में रखा धन को, एड्रेस टू लेंचो, संबोधित किया लेंचो को, एंड विद देम, इसके साथ ही अ लेटर, एक बर्ड लिख दिया कंटेनिंग रखते हुए, ओनली अ सिंगल बर्ड एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर जहां होते हैं वहां पर उसने एक शब्द लिख दिया, गॉड के भगवान। द फॉलोइंग संडे, अगला रविवार आया, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, देन यूजुअल मतलब प्रायः जो आता था उससे कुछ जल्दी आ गया, टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, ये वही डाकिया था, हिमसेल्फ स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो उसका जो मालिक था पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा है द कंटेंटमेंट, एक संतुष्टि का भाव उसके चेहरे पर है, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव कर रहा है जिसने काफी अच्छा काम किया हो, एक अच्छा काम किया हो, अच्छा काम करके जो संतुष्टि होती है। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस के दरवाजे से ये सब देख रहा था। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा सा भी लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर, सच बाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिगेन एंग्री, बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने धन को गिना तो वो नाराज हो गया। गॉड, तो उसने सोचा, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकता, नॉर कुड, ना ही वो मना कर सकता। ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही उस बात को मना कर सकता है जो लेंचो ने मांगा है। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो बेंट अप टू द विंडो, खिड़की पे गया लेंचो, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने कागज मांगा, लिखने के लिए स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वो उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं सिकोड़ के लिख रहा है, यानी कि ये प्रदर्शित होता है कि वो गुस्से में लिख रहा है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और इससे उसके विचारों के बारे में पता चलता है कि बहुत गुस्से में है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र पूरा किया, ही बेंट टू द विंडो, खिड़की पर गया,
टू बाई अ स्टाम्प टिकट खरीदे विच ही लिक्ड। लिक्ड मीन्स होता है चाटना। चाटने से इधर मतलब है क्योंकि जो टिकट पर सूखी गम लगी होती है उसको गीला करना पड़ता है। लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड और उसको चिपका दिया टू द एनवेलप लिफाफे के ऊपर विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट अपनी मुट्ठी से दबाकर। द मूवमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही उस पत्र पेटिका में उसने पत्र डाला, द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर खुलने के लिए गया। उसने देखा क्या लिखा है, इट सैड, उसमें लिखा था, ये भी एक क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, उसमें लिखा था गॉड भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी जो धन मैंने आपसे मांगा था। आस्क्ड फॉर का मतलब होता है मांगना। ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, जो धन मैंने आपसे मांगा था केवल 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष धन मुझे भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मुझे मत भेजना इसको धन को थ्रू द मेल, अब डाक से मत भेजना आप इस धन को, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स होते हैं डिसऑनेस्ट पीपल, ठगों के समूह, बेईमान लोग। आगे उसने सिग्नेचर में लिख दिया लेंचो। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू।